गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 22 अक्टूबर 2020, थर्सडे है, सुबह के 8:32 हो रहे हैं। कल हमने देखा निफ्टी इंडेक्स में एक जबरदस्त रोलर कोस्टर जैसा एक मूवमेंट हमें देखने को मिला। आज फिर से एक बार एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन, तो काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, सो बी केयरफुल। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 21 अक्टूबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,949 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,885। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ओपन हुआ, तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता। लगभग 1 बजे तक निफ्टी इंडेक्स साइडवेज पैटर्न में ट्रेड हो रहा था, यहाँ पर एक चॉपिनेस देखने को मिल रहा था। और जैसे ही इसका लोअर बैंड, यहाँ पर ये इसका लोअर बैंड क्रिएट हुआ था, ये जैसे ही इसको ब्रेक किया, ये तूफान की तरह, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह ये नीचे आया। और ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,870, सेकेंड टारगेट 11,848, ये यहाँ पर अचीव हुआ। इसी के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करने की कोशिश की और यहाँ से एक यू टर्न मार के निफ्टी इंडेक्स ऊपर ब्रेकआउट लेवल के पास आके ये क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 11,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार फिर से एक बार कमजोर होते हुए दिखाई दिए, हालांकि 31 पॉइंट एक हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो लगातार वहां पर कोरोना वायरस का सेकेंड वेव आने से कई जगहों पर फिर से एक बार कर्फ्यू लगा दिया गया, तो वहां पर पूरी तरह से एक कमजोर पैटर्न दिखाई दे रहा है लास्ट 1 मंथ से। एशियाई बाजार देखे तो लगभग आज सभी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 25 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर भी देखे तो 180 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में हमने यहाँ पर ये जो लास्ट स्विंग हाई लो मिला था उसको पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। अभी एक बार फिर से ये जो 12,000 का लेवल है, जहाँ पर 38.2% का ये लेवल आ रहा है 11,931, लास्ट 2 वीक से हम लोग देख रहे हैं इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा है, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं दे पा रहा है। तो अगर इसके ऊपर ये क्लोज देता है, 12,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, उसके ऊपर क्लोज देता है तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूव हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अदरवाइज यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है निफ्टी इंडेक्स में। डेली चार्ट की अगर हम बात करें, डेली चार्ट में कल ये जो फॉर्म हुआ है कैंडल, ये लगभग हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, सिर्फ सिग्नल है। अगर यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल अगर यहाँ पर क्रिएट होता है, रेड कैंडल, तो यहाँ पर ये पैटर्न है वो कंप्लीट माना जाएगा। रेड कैंडल बनेगा और इसका ये जो लो है ये जब ब्रेक होगा तभी इस पैटर्न को हम कंप्लीट कहेंगे। अदरवाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 12,000 को लगातार ये पेनेट्रेट कर रहा है, 12,000 के लेवल के पास। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है ऐसे लेवल के पास, तो रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऊपर 12,000 का रेजिस्टेंस होगा और नीचे फिर से एक बार 11,800 के आसपास इसने सपोर्ट फेस किया। तो ये अभी अपर बैंड और ये लोअर बैंड हो सकता है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के लिए। तो यहाँ पर इन लेवल्स के बाद ही अपना जो पोजिशन है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये इन लेवल्स को अगर ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड्स नॉर्थ या साउथ की तरफ, तो यहाँ से अगली पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड करने को देख सकते हैं। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे क्विकली। निफ्टी इंडेक्स ये जो कल का लेवल था, जिस लेवल के नीचे ये क्लोज नहीं हो पाया, आप देख सकते हैं फास्ट में इसने इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस का काम किया था और अभी यहाँ पर कल इसने सपोर्ट का काम किया। आर्ली चार्ट में इस लेवल के नीचे ये क्लोज नहीं हो पाया। तो आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल हमारा होगा 11,864। इस लेवल के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा एक फर्स्ट टारगेट होगा 11,847, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,831, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। निफ्टी इंडेक्स कम्प्लीटली अगर ये जो कल का
रेजिस्टेंस का लेवल था, यानी 12,018 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। जबरदस्त प्रेशर देखने को मिला था यहाँ से, सेलिंग प्रेशर, तो इन लेवल्स को कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए ऊपर की तरफ, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा एक छोटा सा क्विकली टारगेट होगा 12,037, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,055, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।